हेलो स्टूडेंट्स, VIIIC में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए डेली अपडेट न्यूज लेकर के आता रहता हूं और बहुत सारी न्यूज की जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, आपने एक पंक्ति सुनी होगी, लोग जुड़ते गए और कारवा चलता रहा। यही पंक्ति चरित्रार्थ होती है हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 में। दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी भर्ती परीक्षा होने से लेकर के आज तक की कंडीशन में कि इसकी स्थिति क्या रही। लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है और अभी तक इसमें कुछ भी प्रोग्रेस होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि काउंसलिंग की प्रोसेस जैसे तैसे स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो हमारी मांगे रही थी कि पद वृद्धि होना चाहिए, इतने कम पोस्ट निकली हैं, उसमें किसी भी प्रकार की गुंजाइश या किसी भी प्रकार से प्रगति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं जब रिजल्ट आया था उसके बाद से। ये तो बिल्कुल क्लियर था कि कुछ सब्जेक्ट जैसे कि साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, उर्दू है, इनके पोस्ट कम आने वाले हैं, लेकिन ये पोस्ट इतनी कम आई कि जितनी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा के समान ये पोस्ट आई हुई है। और उसके आने के बाद से ही पूरी जनता में, पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं में अत्यंत रोष और आक्रोश व्याप्त है इस सरकार के प्रति। और इसी के संदर्भ में स्टार्ट हुआ लोगों का आंदोलनकारी होना, लोगों का उग्र होना, और कई प्रकार से उग्रता का प्रदर्शन समय समय पर किया जाता रहा। जैसे कहीं कोर्ट केस किया गया, कई जगह पर आंदोलन किए गए, कई दल बने, कई गुट बने और कई नेता उभर कर के सामने आए, कई आगे बढ़ने वाले आंदोलनकारी हमारे सामने आए और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन अभी भी जारी है। हालांकि ये एक बहुत छोटी चीज है, बहुत ही नॉर्मल बात है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी 1 साल से इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है। पोस्ट आने के बाद में दोस्तों, जब देखा कि भाई एग्जाम देने वाले तो काफी लोग थे, लाखों की संख्या में थे, सोशल साइंस में 2.5 से 3 लाख, साइंस में लगभग 2 लाख, इसी प्रकार से हिंदी में, उर्दू में काफी लाखों की संख्या में पात्र अभ्यर्थी हैं और उन्होंने एग्जाम दिया और पात्र हुए। लेकिन जब पोस्ट आई तो उनको ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हाल बना दिया गया। और अब हम बात कर लें कि इसमें भाई हमने क्या प्रोग्रेस की, तो हमने जो है केवल आंदोलन का इसमें रास्ता अपनाया, कोर्ट केस भी किया गया, विज्ञान विषय में सुशील मेहरा द्वारा कोर्ट केस किया गया जो कि अभी तक चल रहा है और जिसका निर्णय अभी आना बाकी है। उसके बाद में रंजीत गौर जी जो है उनके नेतृत्व में आंदोलन चालू हुआ, उन्होंने भी सभी संवर्गों को, सभी वर्गों के उम्मीदवारों का आह्वान किया कि वो आकर के इस आंदोलन में साथ दें जिससे कि पदों में वृद्धि हो सके। ऐसा नहीं है कि पद नहीं है, काफी संख्या में पद हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है केवल 20,670 पदों पर भर्ती कर रही है, जबकि पदों की संख्या कई लाखों में है और उन पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अतिथि शिक्षकों के ऊपर भी गाज गिर रही है, वो भी काफी दिनों से इसमें आंदोलनरत हैं। और ये आंदोलन की स्टार्टिंग की यदि हम बात करें तो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ 19 व 20 जनवरी को। 19 जनवरी को सांची में, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री का गृह विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहां पर ज्ञापन दिए गए और ज्ञापन में उनसे मांग की गई कि पद वृद्धि करवाए जाएं जिससे कि हमारे बहुत सारे साथी जो कि हाई मेरिट लिस्ट में भी काफी अच्छे नंबर लेकर के आए हैं और काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्राइवेट सर्विस छोड़ी, कई लोगों ने नौकरी छोड़कर के पढ़ाई की, तैयारी की और जब उनको इसका परिणाम मिला तो उसमें बिल्कुल 0 ही हाथ लगा। तो वहां पर उनको ज्ञापन दिया गया और वहां ज्ञापन देने के बाद में केवल आश्वासन ही अभी तक मिलता रहा है। और इसके बाद में जब 19 और 20 जनवरी को सांची में विरोध प्रदर्शन के बाद पैदल यात्रा की रंजीत गौर जी के नेतृत्व में और अन्य साथीगणों ने वहां से भोपाल के लिए, और भोपाल में शाहजहां पार्क में जो है 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया गया। वहां पर एक डेरा लगाया गया और उसमें सभी कैंडिडेट्स
चाहे वो सोशल साइंस के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो साइंस के हों, सभी लोगों ने मिलकर एकजुटता दिखाई और वहां पर धरना दिया गया। ये जो सफर था ये काफी लंबा रहा और इस सफर के अंतर्गत 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक शाहजहानी पार्क भोपाल में ये प्रदर्शन किया गया। कई नेता वहां पर आए, 26 जनवरी को जो है हमारे शिक्षा मंत्री भी वहां पर आए, मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया, उनको भी जो है पत्र वगैरह दिए गए, ज्ञापन दिए गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सेकेंड स्टेप में जो है निश्चित रूप से पदों की वृद्धि कर देंगे। अब हमको ये नहीं मालूम भाई कि सेकेंड स्टेप में क्या कंडीशन बनती है, क्या होता है, लेकिन फिर भी एक आश्वासन दिया गया। और इसमें जो मुख्य भूमिका रही ज्ञापन देने वालों में, मैं कुछ नाम बता दूं आप लोगों को कि इसमें जो आगे रहे, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, उनमें रंजीत गौर जी हैं, मयंक जैन हैं, आशीष मिश्रा हैं, प्रमिला देहरिया है, आरजू द्विवेदी और सुनील कुमार आर्य और भी हमारे कई साथीगण। इन लोगों के पहल से और अग्रसर होने से हमारा ये आंदोलन सफल हुआ है और अब कितना 100% सफल होगा ये तो जब पदों की वृद्धि हो जाएगी तभी पता चलेगा। जब ज्ञापन दिया गया तो उस समय गवर्नमेंट का कहना था कि भाई पदों की वृद्धि हम कैसे कर दें, क्योंकि फंड की हमारे पास बहुत कमी है, इसलिए हम ये नियुक्ति प्रोसेस इतनी ही कर पाएंगे। तो भाई फंड की यदि आपके पास कमी है तो भाई आप जो है आईफा अवार्ड करवा रहे हो, उसमें 80 करोड़ का खर्च कर रहे हो, दूर कहीं पर सीता जी का एक भव्य मंदिर बन रहा है, वहां पर भी जो है काफी पैसा लगेगा, काफी रुपए लगेगा, वो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो दूसरे काम के लिए तो गवर्नमेंट के पास काफी फंड है, सब कुछ है। हालांकि अच्छी बात है कि भाई एक प्रदेश में एक अवार्ड समारोह हो रहा है, एक धार्मिक स्थल का निर्माण मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसका श्रेय लिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ में उनका फर्ज बनता है कि जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनको भी रोजगार देना, अपने प्रदेश के युवा रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना, ये भी सबसे पहला धर्म सरकार का बनता है। तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है। आपको तो भाई ये कहना चाहिए कि भाई निश्चित रूप से हम सबकी मांगे मानेंगे और एक सफिशियंट स्थिति में पदों की संरचना को बनाएंगे और पदों की वृद्धि करने के साथ में हम उन नौजवान रोजगारों को रोजगार दे सकेंगे जो कि वाकई में इसके हकदार हैं। सभी ने पात्रता परीक्षा पास की है और वो निश्चित रूप से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो तो केवल अपना हक मांग रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं और वो भी उनको देना ही चाहिए। पोस्ट में यदि नहीं होती तो भी कोई बात नहीं थी, पोस्ट काफी हैं। कई वर्षों से देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षक 12-12 साल से काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अतिथि शिक्षकों ने भी इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है तो उनको भी हक बनता है कि उनकी नियुक्ति सरकार करे, शिक्षा विभाग में उनकी नियुक्ति की जाए। दोस्तों ये तो हुई हमारी लोक शिक्षण संचालनालय और शिक्षा विभाग के द्वारा निकाले गए पद और उनमें भर्ती की प्रोसेस। लेकिन दोस्तों उसके बाद में हम बात कर लें ट्राइबल विभाग की, अनुसूचित जनजाति विभाग के पदों की। जनजाति विभाग ने अभी तक भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है, कोई भी इस प्रकार का सर्कुलर नहीं आया है जिससे कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों सब तो इसके संबंध में भी श्री रंजीत गौर और उनके साथियों मयंक जैन, आशीष मिश्रा, प्रमिला देहरिया इत्यादि ने वहां पर भी उनके आयुक्त को भी 3 फरवरी को जो है ज्ञापन दिया और उनसे भी मांग की कि आप जल्द से जल्द पोस्ट निकालें और पोस्ट इस प्रकार से निकले जिससे कि सभी लोग, सभी वर्गों को, सभी संवर्गों को फायदा मिल सके। और इसके बाद भी स्टूडेंट्स सफर जारी है, अभी तक रुका हुआ नहीं है। और इसी संदर्भ में एक स्टेप और हम बात कर लें तो श्री रंजीत गौर जी, मयंक जैन जी के नेतृत्व में 4 फरवरी को बल्लभ भवन में जो है पहुंच करके वहां पर मुख्यमंत्री जी से इस्तीफे का मांग की गई। इस्तीफे की मांग इस आधार पर की गई कि जब आपने चुनाव के समय आपका जो वचन पत्र था उसमें आपने 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात की थी,
लेकिन यहां पर केवल 20,670 ही पोस्ट निकाली है, बाकी पोस्ट क्यों नहीं निकाली? इसका मतलब यह है कि आपने जो वचन दिया था वो झूठा वचन था, आपका वचन पत्र बिल्कुल झूठा वचन पत्र था। तो इस संदर्भ में अब आप जो है नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा शासन को दें, इसकी मांग की गई। और ये न्यूज जो है कई स्थानीय अखबारों में भी, न्यूज़पेपर्स में भी संचारित की गई। और ये जो कदम था ये 4 फरवरी का था, इसके पहले 3 फरवरी को उन्होंने ट्राइबल कार्यालय में आयुक्त को ज्ञापन दिया था। और इसके पूर्व में हम देखा जाए तो 20 जनवरी को सांची में 2 दिवसीय धरना दिया, उसके बाद में 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक भोपाल की शाहजहानाबाद पार्क में बैठे हुए लोगों को आह्वान किया, और उसके बाद भी ये कदम रुके हुए नहीं थे। और ट्राइबल विभाग और उसके बाद अंत में मुख्यमंत्री जी से इस्तीफे की मांग, ये हमारी जो है पूरी प्रोग्रेस की एक कड़ी रही है, जिसे कि शिक्षा पात्रता अभ्यर्थी संघ ने पूरा किया है। और अभी भी ये अनवरत जारी है जब तक कि पोस्ट बढ़ ना जाए और सभी कैंडिडेट्स को जो कि बिल्कुल पात्र हैं, मेरिट में अच्छे स्थानों पर हैं, उनकी नियुक्ति ना हो जाए। तो दोस्तों ये क्रम तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। और सभी लोगों से निवेदन है कि चाहे उनकी रैंक कुछ भी रही हो, चाहे वो 15,000 रही हो, चाहे वो 5,000 रही हो, सभी लोगों को इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है, इसमें भाग लेना है, क्योंकि अभी वर्ग 3 भी आई है, लेकिन वर्ग 3 के नोटिफिकेशन में भी किसी प्रकार की पोस्ट का वर्णन नहीं है, उसे केवल एक पात्रता परीक्षा के रूप में माना जा रहा है। और कई बार अफवाह यह भी हो रही है कि शायद एक एग्जाम और हो तो उसकी भी स्थिति क्लियर की जाए, वहां पर भी लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं और देखा जाए तो डेली कम से कम 25,000 से 30,000 फॉर्म पीवी में भरे जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। तो ये भाई अकेले पात्रता परीक्षा की बात करें हम तो उसके लिए तो सीटीईटी वगैरह भी है भाई, वो निकाल के काफी लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसको पात्रता परीक्षा ना होकर के ये वाकई में एक नियुक्ति परीक्षा होना चाहिए, इसकी भी मांग की जाना चाहिए। तो जो वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई वर्ग 1 और वर्ग 2 में हमारे मार्क्स बहुत कम थे, जो कि काफी लाखों में उनकी रैंकिंग रही है, तो हम यहां पर सुधार करके एग्जाम दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यदि आप इस आंदोलन में सभी लोग जुड़ते हैं, चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो, चाहे किसी संवर्ग वाले हों, जो शिक्षक बनने जा रहे हों, सभी को इस आंदोलन में बराबर मात्रा में पार्टिसिपेट करना है, ताकि सरकार पर प्रेशर बन सके और वो अधिक से अधिक पद निकाल सके और वर्ग 3 के पदों को भी स्पष्ट कर सके, जो कि 20,000 दर्शाई जा रही है कई न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, तो उसकी स्थिति को भी क्लियर किया जा सके और सेवा शर्तों में, आरटीई के रूल्स में सुधार हो, संशोधन हो और उनके अनुसार ही भर्ती की जा सके। तो सभी लोगों से आह्वान है कि चाहे किसी भी संवर्ग के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो सोशल साइंस के हों, चाहे वो विज्ञान के हों, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, सभी लोगों को आगे आना होगा और एकजुट होकर के एकजुटता दिखानी होगी, तभी हमारा ये आंदोलन महाआंदोलन सफल होगा और आगे आने वाली अन्य भर्तियों में भी इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों में इस प्रकार की जागृति की भावना विकसित हो, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। धन्यवाद।